कार्य में बहुत परेशानी होते हो रहा है। 5 मिनट 10 मिनट का वेट करना पड़ता है तब रोड खाली होता है, नहीं तो रोड चींटी की तरह बह रहा है। और रोड का स्थिति देखेंगे तो हर जगह गड्ढा है, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। इस जहां विकास और प्रगति की पथ पर लगातार बढ़ रहा है, वहीं विकास के नाम पर सड़कों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लगातार कंपनियां और खदानें खुली, जिनकी वजह से लाखों की तादाद में गाड़ियां चलती हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बाधित कर रही है और पूर्ण रूप से जर्जर कर दी है, जिससे स्कूली बच्चे, स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस और क्षेत्र के तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही थी। ये सड़क अब सड़क न रहकर बड़े बड़े गड्ढे और तालाब का रूप लेने लगे हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें एक दूसरे को जोड़ने का जो रास्ता रहता है मुख्य मार्ग, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी इस रोड का इतना बदतर था 2023 से पहले कि इसमें चलने के लिए भी मुश्किल होता था, और जिसमें एम्बुलेंस, स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा गई थी, बच्चे लोग के स्कूल आने जाने में परेशानी होती थी, और अन्य सुविधाओं के लिए जो आम जनता आते जाते हैं उनके लिए भी असुविधा होती थी। रोड का बहुत बड़ा समस्या था, जो पूरे ग्रामीणों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ हमने कलेक्टर महोदय को जनदर्शन में कई बार ज्ञापन सौंपे। विगत पिछले सितंबर से ज्ञापन सौंप रखे थे, उसके बाद जो है 3 से 4 महीना का समय लिया उन्होंने, उसके बाद जो है सुनवाई नहीं होने के कारण हम लोग पुनः आंदोलन पर बैठे और जो है हम लोग धरना प्रदर्शन किए। इस व्यापक समस्या के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गांव के लोग और क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार मीटिंग, बैठक और प्रयास किया गया, और अधिकारियों से मुलाकात की गई, कलेक्टर से मुलाकात की गई, रैली धरने किए गए, तब जाकर क्षेत्र में यह रोड बनना चालू हुआ है। मुख्य रूप से गेरवानी और तराईमाल का सड़क निर्माण हुआ है, जिससे यहाँ के क्षेत्रवासी कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कर रहे हैं और रोड बनने से आवागमन अब सुचारू रूप से चलने लगा है। उसके बाद बनना चालू हो गया। एक सप्ताह के बाद पूर्व कलेक्टर IAS रानू साहू जी भी आई थी और कलेक्टर सिन्हा जी भी आए हैं और त्वरित कार्यवाही करते हुए रोड को बनवाए हैं, जो यात्रियों को बहुत ही सुविधा हो रही है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं रोड तो बनी है, पहले की अपेक्षा चलने लायक है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहत तो बहुत है, पहले धूल से आदमी का चेहरा भी पहचाना नहीं जाता था, कपड़ा पर डे जो है धोना पड़ जाता था, साबुन का सर्फ का मात्रा बढ़ गया था। अभी जो है सब सामान्य हो गया है, अभी सुचारू रूप से बच्चे भी जा रहे हैं, यात्रियों को भी सुविधा है। मगर कि एक साइड का दूसरा लेयर चढ़ाए हैं और ऊपर में ऐसे बन गया है, जहाँ भी टायर का लीक पड़ेगा वहाँ अनहोनी होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। 2-3 बार जो है कंटिन्यू चक्का जाम के बाद जो है थोड़ा बहुत चलने के लायक बना है, 2 लेयर बना है सड़क। आज भी जो है केलो डैम के पास अधूरा है और बाकी जगह 2 ही लेयर काम हुआ है, 3रा लेयर जबकि चढ़ना था चढ़ाया नहीं है अभी तक, और खाना पूर्ति के नाम से रोड बना रहे हैं। तालाब जैसे गड्ढों को अब चलने लायक सड़क बनाने के लिए मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं। उस समय के तत्कालिक कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं अगुवाई से कहीं ना कहीं काम पर तेजी आई। तत्कालीन कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु अभी भी केलो डैम के पास लगभग 3 से 4 किलोमीटर सड़क जर्जर है, जिससे समस्याएँ अभी भी बनी हुई। अगर इसका सुधार हो जाता है, गाड़ियों पर नियंत्रण हो जाता है और प्रदूषण थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, तो क्षेत्रवासी नरकीय जीवन जीने से बच जाएंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबको धन्यवाद।